अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं तमाम अहले इस्लाम मेरे भाइयों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मेरे दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और मेरे पार्टी जेडीएस की तरफ से भी और हमारे सदर साहब, हमारी कमेटी जो बैठी है, इनके तरफ से भी आप तमामों को मैं ईद उल फितर और हमारे बसवेश्वर महाराज की जो जयंती है उसकी भी मैं मुबारकबाद आप तमामों को देता हूँ। मैं दुआ करूँ हूँ अल्लाह उसके रसूल से कि हमारे अल्लाह, हमने जो रोज़े रखे हैं, हमारे भाई जो इबादत किए, नमाज तरावी जो भी इबादत किए, इन तमामों को अल्लाह जो है कबूल फरमाए और हम तमामों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी मगफरत फरमाए। आने वाले वक्त में अल्लाह हमको तू जो है दीन और दुनिया के रास्ते पर चला, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की इल्म की दौलत से तू नवाज, अदब और इज्जत की दौलत से तू नवाज है मेरे मौला। मैं इतना बोलता हूँ और एक बार मेरे तमाम भाइयों को मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे जो मीडिया के भाई हैं जो हमारे इस मैसेज को तमाम लोगों तक जो पहुँचा रहे हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात बोलना है कि 2 साल से 3 साल से कोरोना की वजह से लोग जो है खुल कर ईद नहीं मनाए, अल्लाह आज हमको मौका दिया है, उस मालिक के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आने वाले दिनों में भी हमको तो मौका दे और ये जो कोरोना महामारी है इसका खात्मा हो जाए मेरे मौला, हमारे को सेहत तंदुरुस्ती अता कर। इतना कहकर मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते।